गंगा की अविरलता व स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लक्ष्मी नारायण जगदीश सरन कन्या इंटर कॉलेज कटगा मुरादाबाद में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। रंगोली प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में श्रीमती पुष्पलता, श्रीमती अनुराधा तथा श्रीमती नीलम रस्तोगी रहे। कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती सुमन माटे ने किया। श्रीमती दीपांजलि ने छात्राओं को निर्देशन दिया। प्रधानाचार्य श्रीमती बिमलेश कुमारी ने छात्राओं को उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सभी अध्यापिकाएं, छात्राएं व कर्मचारीगण उपस्थित रहे। क्या प्रोग्राम आपके स्कूल में ये बच्चों का चल रहा है? बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है कि ये गंगा की अविरलता व स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया है। मैं लक्ष्मी नारायण जगदीश शरण कन्या इंटर कॉलेज मुरादाबाद से बोल रही हूँ। बच्चों ने ये दर्शाया है कि गंगा को हम कैसे साफ कर सकते हैं और गंगा हम सबके लिए क्यों ज़रूरी है। स्वच्छ निर्मल पानी जो उसमें बहता है उसको हमें उसी तरह बनाए रखना है, उसमें गंदगी नहीं फैलानी है, जिससे कि और उसमें कोई ये नहीं कि हम लोग जो आजकल देखा गया है कि लोग कूड़ा करकट और सीवर लाइन वहाँ छोड़ देते हैं, तो उसके बारे में यही बताना है कि गंगा को हमें निर्मल बनाना है। इसलिए एक रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन विद्यालय में किया गया है। ये किसके सौजन्य से हुआ था? ये गंगा की अविरलता व स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया है, उसके अंतर्गत यह रंगोली प्रतियोगिता रखी गई है। इसमें कौन कौन सम्मिलित है? इसमें हमारे क्लास के बच्चे हैं जिन्होंने इसको प्रतिभाग करा और हमारी प्रधानाचार्य जी ने इसका पूरा ही कार्यक्रम को आयोजित करने में अपना पूरा योगदान दिया। श्रीमती विमलेश कुमारी जी, प्रधानाचार्य जी ने इसमें हम सबका सहयोग करा और बच्चों ने अपने रंगोली के माध्यम से इसका प्रदर्शन करा। क्या उद्देश्य आता है इसका? इसका उद्देश्य यही है कि गंगा को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ये एक रंगोली के माध्यम से सबको बताने की कोशिश करी गई है। ये एक प्रेरणादायक जो गंगा की अविरलता व स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत इसे बताया गया है। जो नंबर इसमें डाले गए हैं, लिखे गए हैं, नंबर से क्या तात्पर्य? जो नंबर आपने लिखे हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने बच्चे के रंगोली के आधार पर उसको जो रियल में वो प्रदर्शित कर रहा था उसके आधार पर बच्चों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया गया है कार्यक्रम के आधार पर, कि जिससे बच्चा ये चीजें सबको समाज में जो प्रेरित कर रहा है उस तरह का उसने रंगोली दर्शाई है। और कौन कौन बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए? फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से बच्चे आए? बच्चे कौन से आए? अच्छा, और ये डायल नंबर जो लिखे हैं आपने, इससे जो आपने डायल नंबर लिखे हुए हैं ऐसे बच्चों ने, हाँ, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? इसके भी डायल नंबर इसलिए बच्चों ने ये लिखे हैं कि इसके बारे में ये है कि अगर बच्चे को तत्काल किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो उन डायल नंबरों पर वह अपना डायल करेंगे फोन, तो वहाँ से उनके जो भी सुझाव या जो भी उनको समाधान चाहिए होगा वो तुरंत उनको हेल्पलाइन नंबर है ये मिल जाएगा।